लुकअप एंड रेफरेंसेस की आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम करेंगे कि किस तरह से लुकअप एंड लुकअप तो लास्ट में क्लास में कर चुके हैं हम, रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं आज कि किस तरह से रेफरेंसेस को हम फॉलो करेंगे। आज थोड़ा छोटा टॉपिक है तो कोई बड़ी टॉपिक नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंडीशंस की। आपने कंडीशन यूज किए हैं, लॉजिकल कंडीशन यूज किए हैं। तो एक अगर सिक्वेंसली कोई आपके पास लॉजिक है, तो उसके लिए क्या लॉजिकल कंडीशन लगाओ या फिर कुछ और है आपके पास? जैसे कि मैं यहाँ पे डेट डालता हूँ, मैं डेट डाला यहाँ पे वन, ये हमने डेट डाल दिया 1 जनवरी। तो टेक्स्ट फॉर्मूला में आपको सिखाया था कि अगर मुझे इसका वीक निकालना है, मतलब कि संडे मंडे वीकडे निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में हम डालते हैं डी डी डी, 3 बार डी डी डाल देते हैं और यहाँ पे इसको कॉमा डाल देते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे मंडे आ जाता है। लेकिन अगर हम यूज करें हम डेट एंड टाइम फॉर्मूला, तो हमारे पास एक होता है वीक वीकडे का फॉर्मूला होता है। वीकडे भी सेम काम करता है कि इन द नंबर, यहाँ पे कॉमा हमने यहाँ पे डाल दिया 2, टू आना चाहिए था 2। तो इसे क्या हुआ, इसने थर्सडे दिखाया, थर्सडे मतलब कि वीक का चौथा दिन, ये नंबरिंग में दिखाता है आपको। नहीं, यहाँ पे कॉलम नंबर 2 की बात नहीं, कॉलम नंबर 2 बात क्या, क्योंकि वीक जो है हर जगह अलग अलग स्टार्ट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कोई वीक मंडे से संडे से स्टार्ट होता है, जैसे अब धर्मेंद्र जी हमारे हैं जो कल क्लास ले रहे थे वो गल्फ में है, तो उनका आज वीक का पहला दिन है, उनकी छुट्टी होती है फ्राइडे और सैटरडे। और हमारी छुट्टी कब होती है, संडे, सैटरडे एंड संडे, किसी की होती है संडे एंड मंडे। तो वही यहाँ पे वीक है, यहाँ पे तो आपका वीक कब से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे नंबर डालिए। तो जनरली अगर इंडिया में यूज कर रहे हैं हम, तो हम 2 डालते हैं, मतलब कि मंडे से वीक स्टार्ट होता है, तो ये आपका 4 आ जाता है। अब हमने गलती क्या की कि हमने वीक डे का फॉर्मा लगा लिया और हमने यहाँ पे पेस्ट वैल्यू कर दिया और फिर इसको मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे संडे मंडे, बाद में पता चला कि मुझे यहाँ पे संडे मंडे देना था, वही प्रॉब्लम। तो यहाँ पे संडे मंडे कैसे आएगा, तो यहाँ पे अभी तक आपने सीखा है तो इफ लगा सकते हो कि इफ दैट इक्वल टू 1 तो संडे, मंडे 2 तो ट्यूजडे 3, तो कई सारे इफ नेस्टेड इफ हमें लगाना पड़ेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा इनपुट क्या है, सिक्वेंसली है, एक एक करके सिक्वेंस में है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे चूज का फॉर्मूला। चूज चूज में आप एक इनपुट दे दो, उसके बाद जितने भी रिजल्ट्स हैं आप वन बाय वन करके डालते चले जाओ। यहाँ पे डालो मंडे कॉमा ट्यूजडे कॉमा वेनसडे कॉमा थर्सडे कॉमा फ्राइडे फ्राइडे कॉमा सैटरडे कॉमा संडे, ठीक है, मैं एंटर मार दूँ तो एक इफ की तरह आपका काम कर देगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि इनपुट इसका सीक्वेंस में होना चाहिए, 1 2 3 4 5 ऐसे, तो वहां पे आप इस तरह से चीज यूज कर सकते हो, ठीक है। कौन सा 2? अरे वो वीक मंडे से स्टार्ट होता है ना, इसलिए 1 लिया था, 2 लिया था। हाँ, संडे से वीक होगा तो 1 स्टार्ट होगा, हमारा वीक मंडे से स्टार्ट होता है ना, वीक का पहला दिन कब होता है, हाँ, तो 2 डालना पड़ेगा। और किसी का संडे होता है किसी कंट्री का, किसी कंट्री का सैटरडे होता है, किसी कंट्री का मंगलवार होता है, तो उसलिए नंबर डालना पड़ता है। एक संडे 2 2 आपका मंडे 3 ट्यूजडे, हाँ ठीक है, चूज समझ में आया, चूज यहाँ पे लगाया और जितने भी इनपुट चाहिए वो इनपुट यहाँ पे डाल दो। हाँ सुंदर जी, समझ में आ गया आपको? हाँ जी सुजीत जी, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें, और नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, और नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे हमने यूज कर लिया।
नेक्स्ट हमारे पास आता है, वो आता है आपका एड्रेस का फॉर्मूला। जैसे कि अगर मान लीजिए मैच आपने निकाला हुआ है, मैच का फॉर्मूला कल के डेट में आपने सीखा था, मैच में किसी ने बोल दिया कि रो नंबर वन है, या फिर एक एक डेटा ही ले लेता हूँ छोटा सा, डेटा ही ले लेता हूँ सबसे अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे किसी का ये सर्च करना है, ये सर्च करना है, ये डाल दे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसके लिए मैच लगा दिया, कल की क्लास में जैसे हम लगाए थे कि मैच, हमने नेम हुसैन सेलेक्ट किया और हमने इस डेटा को सिलेक्ट कर लिया, इन कॉमा 0, इसने क्या निकाल दिया, रो निकाल दिया, कॉलम हमारे पास 1 है। तो इसका अगर डेटा चाहिए तो हम इंडेक्स लगा सकते हैं क्या, अगर हमें इसमें इसका डेटा चाहिए तो इंडेक्स लगाया और इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, और कॉमा 5 कर दूं और कॉमा 1 कर दूं। लेकिन मुझे नेम उसका डेटा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका मान लो कि सैलरी चाहिए तो 3 दे देता हूँ ना, 3 पे सैलरी आ गई ना, मुझे इसकी डाटा नहीं चाहिए, मुझे इसका सेल एड्रेस चाहिए, मतलब कि नेम मशीन का किस पे है, इस पे है, तो यहाँ चाहिए C5 एड्रेस चाहिए। अब वो कहीं यूज करना है मान लीजिए, तो उसके लिए एड्रेस बनाने के लिए क्या करोगे आप, फॉर्मूला एड्रेस का फॉर्मूला। आपको ऐसा नहीं कि इफ लगाना पड़ेगा, रो तो आपका फिक्स है 5, ABCD का ही फिक्स करना है ना, तो आपको इफ लगाने की जरूरत नहीं है कि आप इफ लगाओ 1 = A, 2 = B, अगर मान लो बहुत ज़्यादा हुआ तो काफ़ी लंबा खिंच जाएगा फॉर्मूला। तो इसके लिए हम यहाँ यूज करेंगे एड्रेस का फॉर्मूला। एड्रेस यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा इसको सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर मारिए, ये आपका बना देगा C5, आ गया C5। तो एड्रेस क्या करता है, एड्रेस नहीं करता है। इसका यूज कहाँ करोगे आप, इसका यूज हम कई सारी जगहों पे करते हैं एड्रेस का, ठीक है, आगे चल के बताऊंगा मैं आपको, जहाँ पे हम नेस्टेड फॉर्मूला मतलब लगाते हैं वहाँ पे। इंडेक्स नहीं समझ में आया सर। इंडेक्स फॉर्मूला करता है डेटा लुकअप करता है ना, इंडेक्स फॉर्मूला ने क्या किया कि इस कॉलम जो हमने इस कॉलम सेलेक्ट कर रखा है, इस कॉलम में गया और इसमें से तीसरा नंबर, पांचवा नंबर रो और तीसरा नंबर कॉलम का डेटा को शो कर दिया, यहाँ से 1 2 3 4 पांचवा नंबर कॉलम और तीसरा नंबर, ये इसका डेटा शो कर दिया, ठीक है। तो सर ये वी लुकअप वैल्यू और इंडेक्स में तो डिफरेंस क्या हो गया, वी लुकअप किसी पर्टिकुलर दोनों क्राइट, यूज कहाँ। मैं बताता रहा हूँ, वी लुकअप किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सर्च करता है और इंडेक्स इसको सर्च करता है। आपको मैंने कल की क्लास के लिंक भेजी है ना, उसको देख लोगे समझ में आ जाएगा। अब एड्रेस हम यूज करते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि जब हम एड्रेस बनाते हैं, मान लो कि हमने हमारे पास एड्रेस आ गया C5, मुझे C5 की वैल्यू शो करनी है। एक तो हुआ कि हमने यहाँ पे वैल्यू से नंबर एड्रेस बना लिया, अब इस एड्रेस की वैल्यू शो करनी है, सिर्फ मेरे पास सिर्फ एड्रेस ही है और इसकी वैल्यू शो करनी है, तो उसके लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला इनडायरेक्ट। क्या लगाते हैं, इनडायरेक्ट, इसको सिलेक्ट कर लिया, इनडायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है सेल को एड्रेस में। अब इसका यूज हम कहाँ करेंगे, इसका यूज कहाँ करेंगे इनडायरेक्ट का, बताता हूँ तुम्हें। चलो कल क्लास में आपको मैं मल्टी सीट वी लुकअप सिखाया था ना, चलिए वही आपको दोबारा सिखाता हूँ। ये मान लो कि सैलरी डेटा है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे लिखा जैन, यहाँ पे लिखा फैब, 2 महीने का अब मुझे यहाँ यहाँ पे हमारी सैलरी अलग अलग कर देता हूँ मैं, अलग अलग हो गई, ठीक है।
क्या हुआ उसको? हुँ? तो अभी ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा है? इतना टाइम तो ही लगता है सेटअप करने में यार। अब जैसे मैं यहाँ नाम डाल दिया तो मेरे ऊपर जैन सेलेक्ट कर रखा है ना, तो मुझे इसे जैन का रिजल्ट दे दे, फैब सेलेक्ट कर रखा है तो फैब का दे दे। तो मल्टी सीट वी लुकअप के अकॉर्डिंग कैसे करोगे तुम? ये फायर लगा के हाँ, ये फायर नहीं लगेगा इसमें क्योंकि दोनों में डेटा है हमारा। हाँ दोनों में वीलुकअप लगाना है हमें, लेकिन दोनों में डेटा है मेरे पास, तो मुझे इसको ऊपर जैन लिख रखा है, जैन से सीट करे, फैब लिख रखा था फैब से। तो यहाँ पे इफ कंडीशन लगा सकते हो आप। हाँ मैं बताता हूँ, यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तो है कि आप इफ फॉर्मूला लगाओ कि इफ दैट इक्वल टू जैन, तो जैन पे यहाँ पे वी लुकअप लगे, वी लुकअप इसको सेलेक्ट कर लिया कॉमा और इसको सेलेक्ट कर लिया जैन को कॉमा टू कॉमा जीरो। नहीं नहीं ये है ना हायर, फोर हायर है ना, ठीक है। नहीं तो क्या करें, वी लुकअप बी यहाँ पे ए फाइव कॉमा किससे करें, फाइव से करें कॉमा टू कॉमा जीरो, क्या हुआ? ठीक है यहाँ पे तो अगर मैं यहाँ पे फाइव कर दूँ तो डेटा हमारा फाइव से आएगा। तो दोनों में एक ही डेटा है इसलिए चेंज नहीं हो रहा ना, अब चेंज हो जाएगा। हो गया, तो जैन एंड फाइव ही है। और मेरे पास ऐसी 12 महीने के 12 शीट है, तो 12 वी लुकअप लगाना, 12 इफ कंडीशन लगाने पड़ेंगे। कौन सा टू? तो कॉलम नंबर यार। हाँ जैसे फरवरी में जाके मुझे पहला एंड दूसरा सेलेक्ट करना है ना। हाँ डेट उठाया था ना, सैलरी के लिए तीन डाल दीजिए, यहाँ पे हायर डेट था ना, ठीक है। अब आया तो हम देख रहे हैं कि दोनों वीलुकअप में सेम है, डिफरेंस क्या है? या जैन है या फैब है, डिफरेंस यही है ना। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एड्रेस खुद बनाते हैं, हमारा एड्रेस क्या बनता है, इसको कॉपी कर लेते हैं, को इसको कॉपी करके स्केप मार के यहाँ जाते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इक्वल हम जैन को डिलीट कर देंगे, और जैन डिलीट करके मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा, देन कौन का लगाया एंड, और यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और देन इसको सेलेक्ट कर लिया। सॉरी धीरे धीरे हाथ बैठेगा लग रहा है, ठीक है आ गया। अगर मैं यहाँ जैन करता हूँ तो जैन आएगा, फैब करता हूँ तो फैब आएगा। अब यहाँ वी लुकअप में हम इफ ना लगाएंगे, इफ इफ कुछ नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे, वी लुकअप, वी लुकअप में इसको लुकअप करना है किस में, इस जैन के एज में। लेकिन क्या है, एक टेक्स्ट है ए बी सी डी की तरह, इसको रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए हम इनडायरेक्ट लगाएंगे फॉर्मूला, इनडायरेक्ट और इसको सेलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा देन टू कॉमा जीरो। ये कैसे वर्क कर रहा है इसको एवेलेट करो। देखो पहले चला इसको ढूंढना है, तो इसमें से ए लिया जैन ए से एस तक, अभी जैन एस एस का इन्वर्टेड कॉमा में दिख रहा है, मतलब कि टेक्स्ट है ये, रेफरेंस नहीं है, मतलब कि किसी सेल का एड्रेस नहीं है, सीट नेम वगैरह नहीं है। जब ये इनडायरेक्ट अपना परफॉर्म करेगा तो क्या करेगा, इसको एज अ रेफरेंस कन्वर्ट करके दे देगा, बस इनडायरेक्ट का काम इतना ही है, ठीक है। और जिससे क्या हुआ कि वीलो का परफॉर्म कर गया। अभी क्या हुआ कि मेरा यहाँ पे जैन कर दीजिए या फैब कर दीजिए, मार्च अप्रैल मई जून जो करना है कर सकते हैं, सिंपल सा, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ
फिर आज लास्ट में अब इसको कॉपी कीजिए और एस्केप मार के इसे पेस्ट कर दीजिए। आया समझ में सुरेंद्र जी? तुम आया समझ में? तुम समझ में आया? जी सगर जी कनेक्शन लॉस हो गया था। समझ में आया? सगल से तो नहीं लग रहा है, सगल से तो नहीं लग रहा है। बेसिकली बता दूं, बेसिकली क्या सुनो, मेरे पास कई सारे शीट्स है इसमें। अरे ज्वाइन किया यार, कॉन्कैटेनेट कर दिया यार दोनों का आपस में, फैब और ए और एस को आपस में ज्वाइन कर दिया मैंने। क्या है सुनो, ए आपका सीट नेम है और ए आपका क्या है, स्लैश ए और आपका यहाँ पे एच है, ठीक है ना? ए है आपका। अब मुझे इसको क्या करना है कि जो फाइव स्लैश एज करना है, तो हमने दोनों को आपस में लिया और हम कॉन्करेंट फॉर्म लगा दिए, बन गया है। तो सेम ही किया था मैंने, ठीक है? तो बेसिकली क्या है कि हमें आपके कई सारे शीट्स हैं और यहाँ पे मैं शीट का नाम लिखूं, या फिर जैसे मान लो कि मंथली है मेरे पास है, तो हम एक बार में मेरा डेटा हर, हमने इसलिए पिछली क्लास में सीखा था कि अगर एक डेटा एक सीट में ना हो दूसरे सीट में सर्च करके दे, तो उसके लिए हमने क्या किया था, हमने इफ एरर यूज किया था। बट यहाँ पे इफ एरर यूज नहीं होगा क्योंकि डेटा सब जो डेटा ढूंढ रहे हैं वो हर सीट में है, हर सीट में है, रिपीटेड है। लेकिन मुझे एक बार में किसी एक सीट का डेटा देखना है, तो जो सीट का डेटा देखना है वहाँ पे हम नाम ऊपर लिख रहे हैं, उसी का सीट का डेटा निकल जाए। तो हमने देखा कि जब हम वी लुकअप लगाते हैं तो सारा डेटा, सारा चीज़ सेम है, सिर्फ ए आपका जो एरिया रेंज है वही तो अलग अलग है। तो हमने यहाँ पे कॉनकाटा नेट के माध्यम से एरिया रेंज डिफाइन कर लिया ऑटोमेटेड, कि जैसे यहाँ पे फैब होगा तो फैब फैब और यहाँ पे एज फैब, फैब का रेफरेंस बन जाएगा, क्योंकि जब कोई रेफरेंस हम सेलेक्ट करते हैं तो इसी फॉर्मेट में आता है ना। देखिए रेफरेंस हमने सेलेक्ट किया तो किस फॉर्मेट में आ रहा है, ए आर फॉर्मेट आ रहा है, तो सेम फॉर्मेट हमने यहाँ बना दिया। यहाँ पे देखिए सेम फॉर्मेट में हम इसको बना दिए, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये आ गई कि एक्सेल कहता है कि हम टेक्स्ट पे जो चीज़ आप लिख देते हो उसको हम टेक्स्ट में, जो सेल पे कोई भी रेंज लिखते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया A4, A4 लिख दिया, चाहे किसी तरह से लाया या लिख दिया, तो A4 को बोलता है कि A4 इज नॉट ए सेल वैल्यू, A4 को ABCD का टेक्स्ट मानता है, इसके बिहाफ पे और यहाँ A4 से डेटा नहीं लेगा। अगर इसको इसको रेफरेंस में कन्वर्ट करके A4 को पास करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इनडायरेक्ट फॉर्मूला। इनडायरेक्ट समझ लो, बाद में परेशान करने वाला है, एरे में बहुत दिक्कत करेगा ये, एरे में रुला देगा इनडायरेक्ट, ठीक है? आया समझ में? आया सुन रही समझ में आपको? तो यहीं पे हमने इनडायरेक्ट के अंदर में चीज डाल दी। सुरेंद्र जी समझ में आ गया आपको? हेलो हेलो, सुरेंद्र जी समझ में आया आपको? चलिए हो गया हमारा इस तरह से, बाकी आगे ड्रैग करके अपना काम कर सकते हैं। तो हमारा इनडायरेक्ट फॉर्मूला, आपको ड्रैग करने से पहले फ्रीज करना पड़ेगा ना, F2 लगा के यहाँ पे इसको फ्रीज, इसको फ्रीज कर दीजिए और इसका ए फ्रीज कर दीजिए जैसे हमने कल किया था, ठीक है? अब ड्रैग कर दीजिए फ्रीज करना हो तो A5 के बीच में लगाना पड़ेगा, आगे लगाना पड़ेगा कहीं भी लगा लो, नहीं ए हमें ए फ्रीज करना है ना, 5 को फ्रीज नहीं करना है, जब नीचे ड्रैग करूँगा तो 5 6 बन जाएगा, आगे ड्रैग करूँ तो भाई नीचे भी और कोई नाम हुआ तो, B2 पे बीच में करना पड़ेगा, हाँ B2 में दोनों करना है, क्योंकि वो पहले रेंज है ना कॉलम, ये फिक्स है ना हमारा, पहले कॉलम पे स्टार्टिंग में, बाकी इधर का होता है बीच में करना। हाँ ये फिक्स है ना हमारा, ठीक है? यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 में नंबर दे दीजिए आ जाएगा आपका, ठीक है? 4 हो जाएगा, ये हमारा हो गया डेटा। अब आगे बढ़ते हैं, उसके अभी ये बाद वैसे बोनस में डेट आ जाए क्या क्या करना पड़ेगा, यार तो इसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो ना। नंबर फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, टेक्स्ट में हाँ टेक्स्ट तो कॉपी पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट करने की जगह वैसे ड्रैग किया तो ऑटोमेटिकली ले लेगा। नहीं, वो जिसको हमने ड्रैग किया था ना उसमें डेट फॉर्मूला था,
जिसको हमने ड्रैग किया था उसमें डेट फॉर्म डेट था, डेट फॉर्म पर था इसलिए सारा डेट में आ गया आपका, समझे? नहीं समझे? कंट्रोल F1 मार के ड्रैग जब अपना हम पेस्ट ड्रैग करते करते हैं हैं तो या कॉपी फिर पेस्ट होता है ना, जब कॉपी पेस्ट होता है फॉर्मेटिंग भी जाती है ना, पेस्ट जब फॉर्मूला करता तो नहीं आता, ठीक है? इस समय क्या कि कंट्रोल F1 मारेंगे तो अपना आप ले लेगा, ये हमें टेक्निकल वो नंबर में करना पड़ेगा। अपने आप कैसे ले लेगा? तो जैसे आप तो नंबर वो मार रहे हो ना कंट्रोल F1 और कंट्रोल एफ का मार रहा हूँ मैं, कौन कर रहा है कंट्रोल मार रहा हूँ, आपने पता नहीं कंट्रोल कंट्रोल्स यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वन होता है, F1 मारना पड़ेगा। हाँ कंट्रोल शिफ्ट वन होता है इसके लिए, नंबर फॉर्मेट के लिए कंट्रोल शिफ्ट वन, ठीक है ना? हो गया, चलिए एट होगा माफ कीजिएगा, ठीक है ओके। उसको आज चलते हैं, हम बात करते हैं रो फॉर्मूला की, रो एंड कॉलम। रो फॉर्मूला क्या करता है कि जिस सेल में हम लगाते हैं उस सेल की दो तरीके, एक तो जिस सेल में लगाया उस सेल का रो नंबर दिखा देगा, या फिर जब हम रो लगाते हैं यहाँ पे और उसके अंदर में अगर किसी सेल रेफरेंस दे दिया तो उसका रो दिख देगा। दो चीज़ यहाँ पर होता है, एक तो होता है उसके लिए और सेम कॉलन का भी होता है कि अगर हम जिस कॉलन में लगा जिस कॉलन सेल में लगाया उसका कॉलन नंबर शो कर देगा, या फिर हम कहीं और लगाते हैं तो वहाँ का कॉलन नंबर शो कर देगा, रेफरेंस देते हैं तो, ठीक है? तो कॉलन का यूज़ तो हमने तो वी लुकअप में किया, रो का यूज़ क्या करेंगे? चलिए रो के दो तीन यूज हैं उसको मैं बताता हूँ आपको। एक तो है कि अगर आपको सीक्वेंस नंबर अगर मान ड्रैग बनाते हो, अगर मैं ड्रैग कर दिया, ठीक है, अगर मैं इसमें बीच में से कहीं डिलीट करता हूँ तो क्या होगा? मान लेता हूँ डिलीट कर दूंगा तो क्या होगा? सीक्वेंस यहाँ पे दो पाँच पर तो 19 आएगा, क्या आएगा, क्या मतलब? आपका चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि रो लगा हुआ है। लेकिन अगर यही हम अपने हिसाब से अब मैनुअली करते हैं तो क्या होता है? मैनुअली अगर हम करते हैं तो क्या होता है? अगर मैं यहाँ से डिलीट मारता हूँ तो सीक्वेंस नहीं रहता है, लेकिन इसमें हमने रो लगाया सीक्वेंस रहा। अगर मान लीजिए कि मुझे अब एक प्रॉब्लम यह है कि मुझे यहाँ से सीरियल नंबर स्टार्ट करना है, यहाँ से सीरियल नंबर स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे अगर हम रो फॉर्मूला लगाते हैं रो, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे तो आ जाएगा 8 नंबर, क्योंकि जिसमें रो लगाएंगे उसी का आएगा। तो इसमें हमसे क्या करेंगे, -1 -1 नहीं -7 कर देंगे, 1 आ गया। अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा, ठीक है? डाउट इसमें? तो इसके लिए हम रो फॉर्मूला लगाते हैं, रो आ गया, कॉलम समझ में आ गया। इस तरह से एक रोज होता है, रोज क्या करता है, जितना रो आप सिलेक्ट करोगे ना, जितना एरिया आपने सिलेक्ट कर रखा है उसमें कितना रो आपने सिलेक्ट कर रखा है वो आपको बताया कि आपने कितना रो सिलेक्ट कर रखा है। हमने 13 सिलेक्ट कर रखा है तो 13 आ गया। उधर से अगर हमारे पास कॉलम्स है तो कॉलम्स में जितना कॉलम सेलेक्ट करेंगे उतना कॉलम आपको दिखा देगा, ठीक है? गुड आउट। रो एंड कॉलम इस पे यूज कर दिया क्या, तो रोज एंड कॉलम इसका यूज भी हम आगे चल के एरे वगैरह में हमको करके दिखाएंगे किस तरह से यूज करते हैं। उसके बाद आती है गेट पिवट डेटा, गेट पिवट डेटा। उसके लिए मैं पिवट इंसर्ट करना पड़ेगा, पिवट टेबल एंड ऑल। जैसे हम पिवट इंसर्ट करते हैं, एक मिनट, हमने डिपार्टमेंट डाल दिया और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सैलरी, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, हम लोग इक्वल करके इसको प्रेस करते हैं, क्लिक करते हैं लिंक के लिए। अगर आपको जनरली लिंक करना हो तो क्या करते हो आप लोग, यहाँ पे इक्वल करके क्लिक कर देते हो ना, यहाँ पे क्लिक कर देते हो। तो इस तरह से गेट पिवट डेटा बन कर आ जाता है फॉर्मूला के साथ।
ये क्या दिखाता है देखिए, बेसिकली ये लिंक जो होता है ना, प्योर के कॉलिंग लिंक होता है। आप मैनुअली चाहो तो लिख दो B4, तो आप मैनुअली B4 भी लिखोगे तो लिंक हो जाएगा। अब दोनों डिफरेंस क्या है देखो, अगर मैं अकाउंटिंग पर राइट क्लिक किया, इसको मूव कर देता हूँ, मूव कहाँ, सबसे लास्ट में, तो ये क्या हुआ कि ये आपका चेंज नहीं हुआ बट ये चेंज हो गया, क्योंकि ये सेल लिंक है, लेकिन ये फॉर्मूले के साथ लुकअप कितना परफॉर्म करता है। तो क्या सैलरी है, सैलरी में A3 से आपका स्टार्ट है, तो ये दिखा दिया। डिपार्टमेंट किसका देखना है, डिपार्टमेंट देखना किसका, अकाउंटिंग का। तो इसको चाहो तो अपने हिसाब से जो है ऑटोमेट भी कर सकते हो, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखूँ और यहाँ पे आ जाए, जैसे मैंने यहाँ पे IT लिखा तो यहाँ IT का आ जाए, कल मैं यहाँ मार्केटिंग लिखूँ तो मार्केटिंग ले आ जाए, सेल्स लिखूँ तो सेल्स का आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करो कि ये अकाउंटिंग को डिलीट कर दो और इसको सेलेक्ट कर लो, आ गया 15। मैं यहाँ पे सेल्स लिखता हूँ तो सेल्स का आ जाएगा। तो इस तरह से पिवट के अंदर भी आप लुकअप कर सकते हो डेटा को, ठीक है, पिवट के अंदर ही लुकअप कर सकते हो आप, गेट पिवट डेटा से। ओके नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हमने बाकी सारे देख लेते हैं, हम लोग क्या क्या बच गया इसमें से। हमने चूज कर लिया, कॉलम कॉलम्स कर दिया, इसके बाद गेट पिवट डेटा हो गया, आपका एच लुकअप हो गया, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में जैसे बताता हूँ आपको, हमने www.google.com यहाँ पे डाल दिया, तो एंटर मारते इस पर हाइपरलिंक लग के आ जाना चाहिए था, आ जाता है, लेकिन अभी नहीं आया लग के हाइपरलिंक, क्यों नहीं लग के, हमने चेंज कर रखा है सेटिंग में, मुझे इस पर हाइपरलिंक लगाना है। आ गया ना, लेकिन कभी क्या हुआ कि हम इसको कॉपी करके इसको सेटिंग में चेंज कर देते हैं, हम पेस्ट स्पेशल में पेस्ट जो वैल्यू कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे मुझे इसकी हाइपरलिंक चाहिए, जैसे यहाँ पे बन के आ रही है, इसलिए क्या करेंगे उसके लिए यहाँ पे करते हैं हाइपरलिंक का फॉर्मूला। हाइपरलिंक इसको सेलेक्ट करेंगे कॉमा और यहाँ पे लिखेंगे क्लिक हियर, क्लिक या हेयर कर दो या क्लिक कर दो कुछ भी, ठीक है, लेकिन ये खुलेगा नहीं, क्यों नहीं खुल रहा है, क्योंकि ए चाहिए होता है इसको, इस तरह से लिखा हुआ HTTP इस तरह से, अब खुल जाएगा, अब खुल जाएगा, सिंगल में खुल जाएगा, खुल गया, ठीक है, इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो हाइपरलिंक का फॉर्मूला यूज करते हैं, जो भी लिंक चेंज करोगे अपना आप हो जाएगा यहां से, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, कभी कभी क्या होता है मेरे पास बहुत ज्यादा ज्यादा डेटा होता है, तो मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे जो सीट नेम लिखूं, मैं डेटा के लिए हाइपरलिंक उसी के अकॉर्डिंग बन जाए, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे जैन, तो यहाँ पे क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिकली जैन पे चला जाओ, यहाँ पे फैब लिखूँ तो फैब पे चला जाओ, सीट पे। मैं हर किसी के लिए अलग अलग लिंक नहीं बनाना चाहता, ठीक है ना, तो यहाँ पे कम करता हूँ क्लिक। तो हाइपरलिंक जब अगर आप नहीं करो तो मैनुअली आपको इंसर्ट में जाना पड़ेगा और यहाँ पे हाइपरलिंक का फॉर्म फीचर अप्लाई करके और फिर बुक मार्क पे आपको जो सीट चाहिए वो सीट सेलेक्ट करके एंड ओके करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिंक लगेगा। लेकिन हम इसको फॉर्मूले के जरिए करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम फॉर्मूले के जरिए कर सकते हैं, कैसे, उसके लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे हमने बुक मार्क सेलेक्ट किया और जैन सेलेक्ट करके जैसे ओके किया, तो ये आ गया एड्रेस, मतलब कि हाइपर लिंक में ए एड्रेस चाहिए, जैसे www.google.com डालते हैं तो उसके जगह पे ए चाहिए, तो इसको कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब इसमें देखते हैं कि सब तो सेम है पर जैन ही तो चेंज हो रहा है बार बार, सीट में भी चेंज हो रहा है ना, जो जैन वेब है, तो इसको हम कॉन्कटा नेट के जरिए N% के साथ किसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको ऑटोमेट कर देते हैं, क्योंकि हैश टेक्स्ट है इसलिए हैश को इन्वर्टर कॉमा के अंदर डाल दिया, फिर कॉन्कैटनेट लगाया और फिर मैंने जैन को सेलेक्ट कर लिया और इस जैन को डिलीट कर दिया जो मैनुअल है, और फिर कॉन्कैटनेट लगाया और फिर मैंने यहाँ पे जो सेल रेफरेंस है A1 उसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जैन आ गया,
अब मैं यहाँ पे हाइपर लिंक का फॉर्मूला यूज करूँगा। हाइपर लिंक, इसमें मैंने इसको सेलेक्ट किया लिंक लोकेशन, और यहाँ पे दे दिया टेक्स्ट जो चाहिए, मैं चाहिए क्लिक किया। क्लिक किया जाए, क्लिक जो भी है, अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जैन पे चला जाऊंगा। कलर ग्रेड मैं चेंज करता हूँ, फैब कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये हमारा फैब पे चला जाएगा क्लिक। ठीक है, तो डायनेमिक हाइपरलिंक इसको हम कह सकते हैं। क्लियर है? इसमें हमें क्या किया, जस्ट ये लिंक लोकेशन यहाँ पे इसका क्रिएट किया एड्रेस। तो एड्रेस में हमें क्या था कि मैं हैश मंथ नेम, जो भी सीट नेम, और यहाँ पे उसका रेफरेंस चाहिए होता था। तो इसमें हमारा मंथ नेम क्या है, ऑटोमेटेड है, तो हमने क्या किया दोनों के साथ में मंथ नेम को जोड़ दिया, जैसे कि हमने अभी इसमें किया था इनडायरेक्ट में। ये अगर हम किसी और सीट में लगाए तो सीट आई ओपन भी नहीं हो जाएगी। किसी सीट में लगा था, फॉर्मूला है ना। ठीक है, उसके बाद हमारा आज का लास्ट का फॉर्म, आज का लास्ट फॉर्मूला है, वो है ट्रांसपोज। सुनिए सर, ट्रांसपोज तो वैल्यू अधिक था, ऑप्शन था, फॉर्मूला कब से बन गया, फॉर्मूला ही बना हुआ है, कैसे दिखाता हूँ आपको। और सबसे बड़ी ट्रांसपोज का सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इसे यूज क्या है। ठीक है, अभी जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, को डेटा को ट्रांसपोज करना है, वर्टिकल करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, हम लोग राइट क्लिक करते हैं, पेस्ट स्पेशल करते हैं और इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, सिंपल सा। लेकिन मैं ये आपस में लिंक नहीं होता, कल के डेट में यहाँ चेंज करूँ तो यहाँ चेंज नहीं होगा, दोबारा कॉपी पेस्ट मारना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ट्रांसपोज का फॉर्मूला यूज करेंगे। ट्रांसपोज एक एरे फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। ट्रांसपोज इसको सेलेक्ट करेंगे, डेटा सेलेक्ट करके एंटर मार दीजिए, एरर आ रहा है, एरर आएगा क्योंकि तो एरे फॉर्मूला है, एरर जब तक रन नहीं हुआ तो एरर एरर आएगा आपको। उसके बाद जहाँ तक आपको, जैसे कितने रो, कितने दो रो है तो दो कॉलन, और जितने कॉलन है उतने रो, और सात कॉलन है तो 1 2 3 4 5 6 7। एंड F2 प्रेस कीजिए जिससे आपका फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाए, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कल के डेट चेंज करता हूँ, 65 करता हूँ, तो यहाँ पे 65। ठीक है, इसको अगर हम शीट से लिंक करें, शीट से कोई कहीं भी जाओ, डाउट फॉर्मूला एक्टिवेट करने के लिए हमें F2 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 कर दो, डबल क्लिक कर लो, डबल क्लिक नहीं होगा फिर वो सिलेक्शन हट जाएगी, F2 करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था। तो आज हमने रेफरेंसेस फॉर्मूले के बारे में जाना, नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे डेटा समराइजेशन के बारे में। लेकिन उससे पहले वीलुकअप और ये सब चीज़ों पे आप प्रैक्टिस करके आइएगा अच्छी तरीके से, कोई डाउट हो तो कोई डाउट पूछ लीजिएगा। और इसकी रिकॉर्डिंग्स मैं अपलोड कर देता हूँ, और कल की रिकॉर्डिंग भी मैंने अपलोड कर रखी है। आप रोहित जी, आपको मैं चैटिंग पे डाला हुआ है, आप चाहो तो ले सकते हो, सर लिंक भेज देना, मेरे पास नहीं है। चैटिंग में भेजा ना आपको मैंने, कॉपी नहीं कर सकते हो, सर कहाँ आया है मेरे पास अभी तक? चैट पे देखो कैसे नहीं आया है, गो टू मीटिंग का चैट पे देखो। आ गया अब, हाँ सर आ गई। हाँ ठीक, कॉपी कर लो।